आप ये दोनों ही स्मार्टफोन को देख रहे हैं, ये दोनों ही स्मार्टफोन लॉक है और ये रियलमी का ही दोनों स्मार्टफोन है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है रियलमी का रियलमी 9 प्रो और ये है रियलमी का C3। लेकिन यदि आपके पास इसके अलावा रियलमी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और या आपके पास नार्जो का कोई भी हैंडसेट है या फिर आपके पास रियलमी C5, C3, इस तरह का C21, Y सीरीज, यानी कि आपके पास यदि रियलमी का मैं कहूँ तो कोई भी मॉडल है और यदि आप उसे अनलॉक करने के लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आप यहाँ पे ये चीज़ सीखोगे कि किसी भी रियलमी को आप चुटकियों में कैसे अनलॉक कर सकते हो, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसे खर्च किए। टाइम को यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे और यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे इसे कैसे अनलॉक करना है वो जानेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस मेथड को करने से आपका जो भी डेटा रहेगा वो सेफ नहीं रहेगा। और यदि कोई कहता है कि यदि मोबाइल को अनलॉक करने के समय आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा तो समझो कि वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। जब भी आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हो तो यदि आपको वो पासवर्ड याद नहीं आता है तो समझो कि आपका कोई भी डेटा आपके हैंडसेट में जो भी फोटोज, वीडियोज, कॉन्टैक्ट, SMS जो भी हैं वो आपके सेफ नहीं रहेंगे, सारे आपके फैक्ट्री डाटा रिसेट हो जाएंगे। तो चलिए आज सर्विस सेंटर के एक ऐसे ही मेथड के बारे में बात करेंगे जिसे यूज करने के लिए हमें कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए और ना ही आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपका मोबाइल और आप इसे अनलॉक कर पाएंगे। तो ठीक है, चलिए मैं एक फ़ोन को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जो भी मैं मेथड यहाँ पे अप्लाई करूँगा वो सारे रियलमी में वर्क करेगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज़ ये बात आप समझ लो, जब भी आपका मोबाइल लॉक हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। और सबसे पहली बात, जब भी मैं इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आप उसी समय अपने हैंडसेट में भी सेम अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने हैंडसेट के आपको सिम कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल देना है। और उसे निकालने के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे कि अपने हैंडसेट में से आप सिम कार्ड को और मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल देंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अपने सिम इंजेक्टर टूल से आप अपने हैंडसेट के मेमोरी कार्ड को और सिम कार्ड को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद आपको इसे बाहर ही आपको रखना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली मैं बता दूं, इसके बाद आपको अगला जो स्टेप लेना है वो बहुत ही ईजी है। आप अपने हैंडसेट के जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है वहाँ पे आप क्या करेंगे, इमरजेंसी कॉल पे एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे डायलर पे जाएंगे। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो कोड बता रहा हूँ उस कोड का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वो कोड क्या है जो आप यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हो, *#8#99 और हैज। जब आपका ये कोड आप ओपन कर लोगे अपने रियलमी के हैंडसेट में तो आपको यहाँ पे जो नाम दिखेगा वो है, एक है आपका आफ्टर सेल्स पेज। यदि आपके पास पुराना रियलमी का फ़ोन होगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे इंजीनियर मोड, दोनों ही एक ही है, बस नाम बदल गया है नए फ़ोन में। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नंबर 4 पे एक कॉमन आपको ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट, आप इसे टच करके ओपन कर लोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इंजीनियर मोड का नाम का जो पेज है वो आपको दिख गया। अब यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितना मैं बताऊं उतना आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेन बोर्ड वर्जन दिख रहा होगा, इसे आपको 7 times क्लिक करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को यहाँ पे पूरा करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे वापस से बैक जाएंगे और यहाँ पे एक पेज खोजेंगे जिसका नाम होगा डिवाइस डिबगिंग, जो कि आप यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे हो। अब इस डिवाइस डिबगिंग के पेज पे आपको नीचे जाने पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा जायरोस्कोप, आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे आपको खोजना है और इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे जो नंबर 3 पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डेटा डिस्प्ले, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को भरने देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पेज को आपको यहाँ पे फुलफिल भरने देना है। कुछ ही सेकंडों में ये यहाँ पे पूरी तरह से भर जाएगा। एटलीस्ट 30 lines तक आपको यहाँ पे रुकना है, 30 lines तक, देख रहे हैं 30 हो गए, 30 से ज़्यादा हो गए। अब आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सब जो नंबर 1 पे है ग्राफ, इसे क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 5 seconds वेट करना है, 3, 4, 5 और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको पूरी तरह से बैक आ जाना है और आप देख सकते हैं अभी भी इसका पासवर्ड यहाँ पे नहीं हटा है। इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो पावर बटन और ये रहा आपका वॉल्यूम बटन, तो आपको यहाँ पे पावर के बटन को और साथ में वॉल्यूम अप का जो बटन है इन दोनों को आपको प्रेस करके रखना है एक साथ और आपको यहाँ पे पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसे टर्न ऑफ कर देंगे।
कुछ ही सेकंडों में ये आपका पूरी तरह से टर्न ऑफ हो जाएगा। और अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड की तरफ जा रहे हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहें। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना, वापस से आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप का बटन दोनों को एक साथ यहाँ पे इस तरह से प्रेस करना है, और जैसे आपको लोगो दिखेगा आप यहाँ पे पावर बटन को छोड़ देंगे लेकिन वॉल्यूम अप के बटन को प्रेस करके रखेंगे जब तक कि आपका यहाँ पे नया पेज नहीं आ जाए। थोड़ा सा आपको रुकना है और अब आपका यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे नया पेज आ गया, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है इसे आपको सेलेक्ट करना है, और अब आपको यहाँ पे देख रहे रिकवरी नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि ये रिकवरी का पेज है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, फॉर्मेट डेटा, रिबूट डिवाइस एंड पावर ऑफ। यहाँ पे आपको नंबर वन पे जो है फॉर्मेट डेटा इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों यदि आपके पास रियलमी का फ़ोन होगा तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, यदि आपका कोड नहीं आ रहा है तो उस केस में आप हमें कमेंट करें, हम आपको इंस्टेंट एक रिप्लाई देंगे जिसके हेल्प से आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। लेकिन आई होप कि सभी के फ़ोन में ये कोड आ चुका होगा, ऑलमोस्ट 98% लोगों के हैंडसेट में वेरिफिकेशन कोड आ जाता है, ठीक है। 2% के केस में वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है, तो उस केस में आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें कमेंट करें, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसी कोड का इस्तेमाल करना है, जैसा कि आप समझ रहे हैं इस कोड का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो वो कोड क्या है, 0631, तो डालिए इसे 0631। और अब आप देखोगे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट डेटा का, इसे आपको फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे जो आपका हैंडसेट है वो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। अब आपको इसे ओके करना है, और इसे आपको जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये आपका रिबूटिंग मोड पे चला गया है, बूट मोड पे चला गया है। कुछ ही सेकंडों में आपका ये हैंडसेट पूरी तरह से फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाएगा, उसके बाद आपका हैंडसेट यहाँ पे अनलॉक भी हो जाएगा और आपको कोई भी पिन पैटर्न पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी आधा काम आपका बाकी है, तब तक आप वीडियो को बढ़ा के बिल्कुल ना देखें, कंप्लीट देखेंगे तभी आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। और आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पर शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है मैं बता दूँ मेरे पास 7 सालों से सर्विस सेंटर में काम करने का एक्सपीरियंस है, और उसी नॉलेज के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज भरे पड़े हैं जहाँ पे आप उसे अप्लाई करोगे तो आपका मोबाइल अनलॉक तो नहीं होगा लेकिन उल्टा आपको परेशानी हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, लेकिन ये वीडियो आपको पूरी तरह से आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट वन टाइम में देखना है, एक बार देखोगे आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल यहाँ पे अनलॉक भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और इसमें बताए गए मेथड को आप अपने लॉक स्मार्टफोन में अप्लाई करिए, आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ ही सेकेंडों में आपका हैंडसेट यहाँ पे ऑन होने वाला है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे ध्यान से करना है, वरना आपका हैंडसेट में FRP लॉक लग जाएगा और उससे आप बाईपास करने के लिए आपको फिर से FRP का वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपका FRP लॉक न लगे इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। पेशेंस रखिए, मैं तो पहले कहूँगा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिए, हड़बड़ाइए नहीं और ना ही घबराइए, दिमाग को ठंडा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और इसमें बताए गए मेथड को अप्लाई करिए अपने लॉक स्मार्टफोन में जिसका आपको पासवर्ड अनलॉक करना है। मिस्टेक सबसे होता है, कभी किसी के बच्चे फ़ोन को लॉक कर देते हैं, तो कभी खुद से लॉक हो जाता है, पासवर्ड चेंज करके भूल जाते हैं, या कभी कभी दोस्त को देने के बाद पासवर्ड को चेंज कर देता है लोग, तो उस केस में आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको एक तो टाइम लगता है, पैसे खर्च होते हैं और पूरे दिन का आपको हरासमेंट भी होता है, तो उससे आपको बचना है। और दोस्तों देख सकते हैं आपका हैंडसेट यहाँ पे बूट हो चुका है, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अब इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ हेलो पे आपको क्लिक करना है, लैंग्वेज आपको सेलेक्ट इंग्लिश में रहने देना और इसे नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट रीजन का ऑप्शन आएगा, आप यदि इंडिया से हो तो आपका जो भी कंट्री वहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसे कंटिन्यू करिए, और उसके बाद यूजर एग्रीमेंट और सेकेंड वाला को आपको टिक करना है, बाकी दोनों जो ऑप्शनल हैं इन्हें आपको टिक आउट नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपसे कहेगा आपके हैंडसेट में सिम कार्ड को लगाने के लिए, तो सिंपली आप यहाँ पे सिम कार्ड को लगा दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे जब सिम कार्ड को आप यहाँ पे लगा दोगे तो आपका यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आपको शो होने लगेगा। थोड़ा सा आप रुको, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, आपको यहाँ पर सिम कार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर टावर भी आ चुकी है।
अब इसे यहाँ पे रखेंगे और इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे वाईफाई के साथ आपको अपने हैंडसेट को कनेक्ट आपको पहले कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह जो भी आपका है वाईफाई का वो आपको लगा के इसे ओके कर देना है। अब आपका हैंडसेट यहाँ पे जब तक कनेक्टेड नहीं होगा आपको आगे नहीं जाना है। और देख सकते हैं आपका यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे पेशेंस रखिए, वीडियो को बिना बढ़ाए देखिए, तभी आप इसे अनलॉक कर पाएंगे अपने हैंडसेट को जो कि आपके पास रियलमी का है। ओप्पो के लिए भी सेम मेथड है, यदि आपके पास ओप्पो का भी हैंडसेट है तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, यह हमेशा आपको काम आएगा। और कुछ ही सेकंडों में आपका हैंडसेट यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पहुँचेगा। अभी भी कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है, तो इसलिए वीडियो को यहाँ पे आपको स्किप नहीं करनी है। आप ऐसा मत समझिए कि आपका हैंडसेट यहाँ पे अनलॉक हो चुका है और वीडियो को आप छोड़ के चले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कुड नॉट कनेक्ट का है, तो यहाँ पे आपको ट्राई अनदर नेटवर्क पे क्लिक करना है। जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स आपको यहाँ पे कहा जा रहा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा देर रुकना होगा, उसके बाद ही आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। कुछ देर और यहाँ पे आपको कह रहा है कॉपी एप्स एंड डेटा, आपको यहाँ पे चाहेंगे तो आप यहाँ पे अपने हैंडसेट के रिकवरी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यदि आपको करना है तो आप नेक्स्ट पे जाओ, लेकिन मैं सीधे आपको यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे डोंट कॉपी कर देता हूँ। आप सेटिंग में जाके भी अपने हैंडसेट में रिकवरी को सेलेक्ट प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका चेकिंग इन्फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो को बढ़ा के मत देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, वीडियो को बढ़ा के देखते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे आपको गूगल का साइन इन के लिए आपको कहा जा रहा है, तो आप अपना यदि आपको आईडी पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पे लगा लो। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, स्किप कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको मोड में जाना है, मोड में जाना और एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप अपने हैंडसेट में कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आपका हैंडसेट ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है आपका प्रोसेस, तो ध्यान से देखिए, बढ़ा के नहीं देखिएगा। और अब आपको यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है रियलमी में, तो आपको इसे स्किप कर देना है और यहाँ पे कोई सा भी आपको बटन या गेस्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। और अब आप देख सकते हैं रियलमी UI आपको लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड फ्यू मोमेंट आपका हैंडसेट यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से बिना किसी सॉफ्टवेयर के आपका हैंडसेट यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। यदि आपके पास कोई भी हैंडसेट है, यदि आपका हैंडसेट आपसे अनलॉक नहीं हो रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें कमेंट करें। विद इन अ फ्यू मोमेंट यानी कि आपको एक से दो दिन के अंदर आपके फोन के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, हमें कमेंट करके अपने मॉडल का नाम बताइए। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना, आपका वीडियो अगले एक से दो दिन में आपको मिल जाएगा।